हर पल से पल में हर क्या हो जाए हो हर पल से पल में हर क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का और विधिना की कट चले नाल अजब खेल रघुबीर का विधिना के कट चले नाल अजब खेल रघुबीर का हरिचंद महाराजा जी अवतुर के राजा जी हरिचंद महाराजा जी अवतुर के राजा जी एक समय मारी घाट में जाके हो एक समय मारी घाट में जाके खड़ा उठाया दीर का पीठ नकी काटे ताले लटाले अजब खेल रख दीर का सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं नंबर बोल रहा हूँ करण सिंह दरबारी मोतीलाल सावधान रहना नंबर एक नंबर दो चार हट दूर तू है पाजी शैतान छोड़ हट दूर तो ए बाजी शैतान हर वरना इस बंदूक के सारे ले लू तेरी जान हराम ज्यादा कहीं का हमसे बगावत कर लिया गया अब असुकैद है क्योंकि इसे बचाने के लिए इस हवेली के अंदर आ गया। सरे तो अत्याचारी मुझे नहीं जानता, मेरा नाम संजय है और जिसे मार रहा है वो मेरे भानोई साहब है। क्या कहा? ये मेरी बहन है। ए साले पचहा। खैर मेरे बहन को अगर हाथ लगाया सरे हाथ तोड़ के रख दूंगा। संजय अगर तू आ गया है संजय अगर तू आ गया है तो रजिस्टर वाले अपनी बहन को तो भगा दिया लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि तू अपनी बहनिया को लेके आ गया। हे हलाल के दस साल कुत्ते अगर तुम्हारे बाजू में ताकत है तुम्हारे बाजू में ताकत है तो हटाओ बंदो घर मुझसे मुकाबला करो। तुम्हारी अगर माँ दूध प्यास सालो फलुए सालो कुत्तो अबे बिना ताकत के ये बंदूक भी हाथों से नहीं उठती। अबे हरामजादे साले कुत्ते एक
तो तुम लोगों ने मेरी जान ले लो, तुम मुझे जाल से मिटा दो, पाई लोगों को छोड़ दो, तू मेरे जिंदगी छीन ले, तू मुझे जाल से मार दे। अब ये बंदूक में दो गोलियां हैं, अरे तेरे सीने में और एक संजय के सीने में, फिर तुम दोनों को मार करके हम इसकी बहन के साथ यहीं पे ऐसा नाच जाएंगे कि ये जमाना देख कर तंग रह जाएगा। चल निधार चल बे, नंबर नंबर दो ठाकुर अभय प्रकाश ने क्या कर रहा था बे? अरे साहब ये तो अच्छा हुआ, ये तो अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए, वरना देखो ये पूरे रिश्तेदार नातेदार परिवार सब आकर मुझे जान से मार देते। अरे राम राम को चिंता कर रहा है। अरे राम 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 तालिक भी ले जाने जब मैं बोल दिया कि मैं आ गया काहे को टेंशन कर रहा है, अब तुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इनको मारने से पहले मैं तुझसे किसी को मिला दूं, मिलना चाहेगा? दीवान जी बुलाया जाए। सीमा आइए, सीमा आइए, आपको इंसाफ मिलेगा, आइए आप। अबे ठाकुर इसको पहचानता है? पहचानता है? अरे सीमा सीमा तुमको कहाँ नहीं ढूंढा, खेतों में ढूंढा, खलिहानों में ढूंढा, नदियों में ढूंढा, नालों में ढूंढा, मूस के बिल तक में पता लगाया, लेकिन अब जादे मुझे कुत्ते क्या रे हरामजादे, अपने बहन को भेजने के लिए मुझ के बिल में ढूंढा, तेरी नाश हो जाए, खेत खलिहान में अपने बहन को भेजने के लिए ढूंढा था हरामजादे, तेरी नाश हो जाए मोट भाई साहब। यही वो हरामजादा है, ये औरत कौन है? चल बाहर, तक बीच में नहीं बोलना साहब है। साहब यही वो हरामजादा है जिसने हमें बहुत सताया है, मेरी आंखों के सामने हमारी माँ का खून इसे कुत्ते ने करेंसी से करवाया है, और साहब मुझे इंसाफ चाहिए साहब। ठाकुर भाई प्रताप सिंह अब सारी सच्चाई अपने मुंह से खुद बयां करेगा या मैं कोई और तरीका अपनाऊं? नहीं साहब, जो सीमा कह रही है वो हकीकत है साहब। हकीकत है ना, मैंने जो मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ साहब। कितने कर्ज लाए थे इसके पिताजी ने? पूरे 800 रुपए। 800? दीवान जी इस हरामजादे को 800 रुपए दिया जाए और बोला जाए किसकी माँ की जान वापस लाया जाए। साहब साहब मैंने नहीं मारा साहब, इसकी माँ को मैंने नहीं मारा साहब। तो कौन मारा? सीमा खुद बताएगी। साले जुर्म की गांठ तो तू ही है ना, तुझे ऐसा जुर्म करने को किसने कहा था? नहीं साहब। और तुझे जुर्म करने को किसने कहा? कहा
खोल दे। बोल हरामजादे क्या बोलना चाहते हो? और माफ कर दो जादे गुनाह करता है और गुनाह की माफी मांगता है हराम जादे और खता माफ कर दे जी। इससे बोलो उस हरामजादे अपने चमचे को बुलाए। बुलावे अपने चमचे को साहब। ये दोनों को बुला, ये थाला कौन था इसको बुला। साहब साहब एक बात मैं तुमसे कहूं साहब। दीवान जी देखो हमारी तुम्हारी आपसी बात साहब। करण सिंह मेरी बात सुनो, मतलब की बात। कह रहा वो पीली वाली जो है ना टाप की माल है इसकी नाश हो जाए ये कह रहा है। दीवान जी इसकी बहन नहीं है टाप की साले की। वो हराम ज्यादा आया या नहीं? कौन वो आ गया साहब? दीवान जी उसको इधर बुलाओ। क्यों रे करिंदा? इंस्पेक्टर साहब बोल बे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती ये अभय प्रताप सिंह की है। ये रुपये की खातिर मुझसे जो कहा मैंने वो किया। अगर वो बोल दे कि तुझे कुएं में गिरना है तो कुएं में गिर जाएगा। अब जब कहीं ड्यूटी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। उसको समझा नहीं सकता कि नहीं ये गलत है? अरे मैं क्या उसे समझाऊं वो मोट भाई से। इसीलिए तो साले मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। कहते मैं टट्टी खाइयो तो खा ले तेरी देख।
के सूरज जले तन हमारे। तेरी देखे सूरज पर जले तन हमारा, जीते जी देखू ना चेहरा तुहार। दीवान जी और राजेश, इन दोनों कुत्तों को मैं तुम्हारे हवाले सौंप कर जा रहा हूं। जी सर। साहब मेरी इच्छा तो यह है कि दोनों को पकड़ कर ले जाइए, मेरे सड़े को सकल नहीं देखना चाहता। नहीं राजेश, इसने तुम्हारे साथ बहुत जुर्म किया है। अरे तो क्या भाई, जो भी किया वो भी किया, जो सड़े कैसे किया वैसे पा रहे हैं। मेरा हुक्म है दीवान जी, आप लोगों के हवाले कर रहा हूं इन दोनों को। ऐसी सजा साहब डालू मैं जेल में? नहीं, तुझे सीधा ऊपर वाले जेल में डलवाऊंगा, रुक जा। दीवान जी। जी सर। इन दोनों कुत्तों को ऐसी सजा देना जो किसी ने ना कभी सुनी हो और ना किसी किताब में लिखी हो। अगर ये दोनों सजा देते वक्त अगर मर भी जाएंगे, फाइल मुझे तैयार करना है, एक्सीडेंट का नाम देकर फाइल दबा दूंगा मैं। ओके सर, अब ये मेरा हुक्म है। जय हिंद। राजेश, सीमा। जी साहब। कहिए तुम्हारा इरादा क्या है? साहब, इससे बदला लोगी? इन हरामजादों ने बहुत सताया है मुझे, मेरी नजरों के सामने मेरी माँ का खून किया इन कुत्तों ने। अच्छा, तो क्या चाहती हो आप? इन हरामजादों की शक्ल में नहीं देखना चाहती हूँ। सीमा, मैं राजेश और तुम्हारे और इन लोगों की हवाले करके जा रहा हूँ। जी। और मैं एक सरकारी आदमी हूँ, अपने सामने तुमको मारते हुए नहीं देख सकता। जी। इन लोगों को अगर मारते मारते तुम लोग मार भी डाले तो हमारे बड़े साहब कह के गए हैं कि हम एक्सीडेंट का फाइल बना के दाब देंगे। आपकी मर्जी जो करना चाहती हो इनके साथ में करिए। जी साहब। हराम जादों कुत्तों, बहुत सताया ना मुझे, मेरी इज्जत से खेलना चाहा, मेरी आबरू से खेलना चाहा, मेरी इज्जत लूटेगा। हराम जादे, मेरी माँ को हमसे जुदा किया कुत्ते। और सताया तू मुझे, अब मैं तुझे भैया। अरे गांव वालों, तुम्हारे सामने जमींदार को किसी सता रहा है? अरे अब तो जनवाई दे हो क्या? अब ऐसा काम मैं तुम्हारे गांव में तुम्हारे तुम लोगों के साथ नहीं करूंगा। भैया मुझे छोड़वा दे हो। इन हराम जादों की शक्ल में नहीं देखना चाहती, छीन उनकी जिंदगी। भैया हाँ भैया, तूने क्या बोला था कि मैं छेदों में ढूंढा? साले ये बात मुझे ध्यान है। और उसको क्या बोला था? ये टॉप माल है। हाँ, क्यों बस साले?
ये औरत कौन है? ये कोई दूसरी नहीं है शिवा। कौन? ये तेरी भाभी है। भाभी है? हाँ। लेकिन भैया इतने दिनों कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। शिवा मेरी मजबूरी थी, और जब मैं यहाँ आया और जब सुना तो मैं तुझसे पता नहीं घबरा गया था। हाँ भाभी। सीमा। हाँ दोस्तों, यही से हमारा तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। यारो मेरा तमाशा पूर्ण खत्म हुआ है। यारो मेरा तमाशा पूरा खत्म हुआ है। यारो मेरा तमाशा पूर्ण खत्म हुआ है। यारो मेरा तमाशा पूर्ण खत्म हुआ है। बोलो सरस्वती मैया की, बोलो हनुमान स्वामी की, बोलो धरती मैया की, बोलो गंगा मैया की।